अर्शदीप सिंह ने हराया भारतीय टीम को, जीता जिताया मैच, पाकिस्तान जीता 5 विकेटों से। क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोग चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आप सबको पता होगा एशिया कप का पहला मुकाबला जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया था। और राउंड 2 में पाकिस्तान ने हांगकांग को हरा कर भारतीय टीम से मैच किया। उसके बाद पाकिस्तान ने भी भारतीय टीम को 5 विकेट से हरा दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम, राहुल और रोहित ने एक आक्रामक पारी की शुरुआत की और 28-28 रन दोनों ने बनाए, जब लगातार मिडिल ऑर्डर भी काम नहीं आया। उसके बाद विराट कोहली ने 44 गेंदों में 60 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। एक तरफ जहां विराट कोहली अपने रन में दिख रहे थे, उसी तरफ उनका कोई भी साथ नहीं दे रहा था। जब बात आई पाकिस्तान की बल्लेबाजी की, तो पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम एक बार फिर जल्दी पवेलियम लौट गए, लेकिन बाबर के आउट होने के बाद मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद नवाज ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी संभाली। 51 गेंदों में 71 रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए। वहीं मोहम्मद नवाज की बात करें तो उन्होंने 20 गेंदों में 42 रन बनाए। आसिफ अली ने फिनिश भी की, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी कर रहे थे, उस टाइम पर अर्शदीप ने आसिफ अली की बहुत बड़ी कैच छोड़ी। आपको क्या लगता है ये मैच किसकी वजह से हारा है भारतीय टीम?